हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इवनिटी टेरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ऑफ कोर्स राइट क्या आते हुए दिखाई देता है, ऑब्वियसली ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में क्या हो सकता है, वो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, एंडिंग्स किस तरह से हो सकता है, बिगिनिंग्स कैसा होगा, ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या मैसेजेस मिल सकते हैं, एवरीथिंग वी विल लुक इनटू। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जेनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो हम आपके जो है वर्तमान हालात को देखते हुए हम ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या है, एंडिंग्स और बिगिनिंग्स क्या है, और राइट ऑल ऑफ अ सडन हैपनिंग इवेंट्स क्या हो सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑफ कोर्स उनके वर्तमान हालात जो है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज देयर प्रेजेंट सिचुएशन, उनके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। गो द डिस्टेंस, ओके, वी डू हैव द यंग, ओके, यहाँ पे है चेंज इन द विंड, देखो बदलाव, टू बी फेयर, ओके, एंड वी डू हैव फ्लेक्सिबल, द सन कार्ड, लियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा इज वेरी इम्पॉर्टेंट, एलोंग विद दैट उसके साथ साथ एरीज भी है, लियो सजिटेरियस भी है, वर्गो है एंड टॉरस है। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द बिटवीन द वर्ल्ड्स। देखो साइंस के लिए उतना नहीं सोचना है, ठीक है, 1, 12, 3, 11, 19 आर वेरी इम्पॉर्टेंट, 11 इज वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर अवार्ड, ट्रॉफी, कोई पर्टिकुलर जो है डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, ठीक है, प्रेस्टीज, पावर, पोजीशन मिलने की आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और वो बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हो इस वक्त, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपना रफ्तार जो है, स्पीड जो है उतना ज़्यादा मत रखना, वरना बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस हो जाएगा, फिर ना दिमाग जो है ना गड़बड़ा जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना शुरू कर देता है। बट ये जो आप कर रहे हो ये किस लिए आप कर रहे हो, क्योंकि आसपास के माहौल में काफ़ी ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस दिख रहा है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत सारे जो है घटनाएं हो रहे हैं इस तरह से कि आप मजबूर हो रहे हो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। शायद आपको उतना नहीं पसंद लेकिन आपको करना पड़ रहा है, मे बी फाइनेंशियल पोजिशन के लिए, मे बी और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के लिए, मे बी यू नो फॉर यू नो बिल्डिंग योर ओन हाउस, उस ड्रीम हाउस के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए, माता पिता के लिए जिन्होंने आपको बहुत अच्छा परवरिश दिया है उनके खातिर, ठीक है, आप कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आपने जो भी किया है इतना दिन आपको सही से विचार मिले, आपको जो है कोई पार्शलिटी या कोई नेपोटिज्म या कुछ हैपजर्डनेस जो है ना हो आपके साथ, शुभ शुभ कार्य हो जाए, बस यही चाहते हो। और आप पहले इतना ज़्यादा रिजिड थे लेकिन अभी धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पे फ्लेक्सिबल होने का मतलब होता है, सपोज कोई योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसका बॉडी और फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब क्या होता है ना, इजिली मूवमेंट हो जाता है उसका, मतलब वो ट्यून हो जाता है, ऑटो ट्यून सिस्टम है ना, ट्यून हो जाता है। सो इट्स लाइक दैट, सो यू आर क्वाइट यू नो एडेप्टेबल। पहले जो आप एडजस्ट नहीं कर रहे थे, कुछ विचार थे आपका, फिलोसॉफी था आपका, लेकिन आप देख रहे हो कि आसपास का जो भी माहौल है उसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए खुद को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड यू आर डूइंग दैट। सो अभी हम देखते हैं कि एंडिंग्स एंड डेफिनेटली बिगिनिंग्स। आप बोलेंगे अरे मैम बोलिए तो सही, क्या है एंडिंग क्या है बिगिनिंग, क्यों इतना आप खींच रहे हो। देखो ट्विस्ट एंड टर्न्स
ठीक है, क्या होने वाला है, क्या अचानक से आपकी लाइफ में हो जाएगा। यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या अचानक से हो जाएगा, एंडिंग्स, बिगिनिंग्स, ट्विस्ट एंड टर्न ऑल ऑफ अ सडन। वी डू हैव द हर्मिट वर्गो, यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, बाद में साइंस बताते हैं। इस ऑफ कप्स, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, दो कार्ड एक साथ आया, द लवर्स, द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हमारे पास आ रहा है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एंडिंग्स यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, यहाँ पे है कैप्रिकॉन की एनर्जी, लियो है, यहाँ पे कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो है, यहाँ पे वी डू हैव एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा, और यहाँ पे है यस 4, 10, 6, 8, 9 एंड नो दिस नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे यहाँ पे खास नज़र में आ रहा है कि जो चीज़ें एंड हो जाएगा, बिल्कुल आपके लाइफ में ख़त्म हो जाएगा, वो है कहीं ना कहीं पे किसी के ऊपर अंधविश्वास। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरस्टिशन, सेकंड ऑफ ऑल एडिक्शन, थर्ड ऑफ ऑल यू नो अननेसेसरी इंक्लिनेशन, जो होता है ना अंध भक्त की तरफ कुछ चीज़ों को फॉलो करना, वो एंड हो सकता है। कुछ गलत फहमी पाल रखा था आपने, वो हो सकता है। तीसरा है कोई ऐसा रिलेशनशिप जो इतना जहरीला था कि आपको काटने का दौर रहा था। जब एक स्नेक घर में घुसता है तो हमको पता होना चाहिए कि उससे प्रोटेक्शन लेने का है हमें, ठीक है। अगर वो स्नेक किसी जो है बहुत बढ़िया रूप में आ जाए, ठीक है, तभी भी उसके अंदर स्नेकी होगा, ये आपको पता चलेगा। एंड उस चीज़ से आप एंड कर देंगे, उस मोह माया का जो है एक नेटवर्क जाल जो है उससे ख़त्म हो जाएगा, बाहर आ जाओगे। कोई अगर आपका जो है कोई गेम्स खेलने का जो मन था, या एक्सेसिव जो है आप कोई हैबिट जो आप नहीं छोड़ पा रहे थे बचपन से, या ऐसा हो सकता है कि कोई अननेसेसरी इलीगल, या हो सकता है कि इलिसिट रिलेशनशिप आपके पर्सन का हो सकता है कि वो छूट सकता है, कोई ऐसा यू नो सम काइंड ऑफ स्ट्रीमी अफेयर्स, बट यू नो इट हैज़ गॉट नो एंड, वो रियलाइज आपको हो जाएगा। क्या शुरुआत हो सकता है, एक नई शुरुआत होगा ही होगा, एक न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी आपको मिलेगा, दोबारा जैसे बोला जाता है जिंदगी मिलेगी दोबारा, और उस दोबारा में, ठीक है, इस बार आप स्वस्थ रहेंगे, कोई भी हानिकारक शक्ति जो है आपको छू नहीं पाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अवार्ड अप्रिसिएशन जिसका आप कामना कर रहे थे, कोई सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड, कोई ऐसा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में चांस मिलना, स्कॉलरशिप मिल जाना, पूरा ट्यूशन फीस जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर हो जाना, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आने जाने का जो कॉस्टिंग है वो हो सकता है कि कोई दे दे आपके लिए, कोई कंपनी दे दे, उनका एकोमोडेशन सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाना, ये हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एज आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब कि वो सब कुछ दे देंगे, लिखा हुआ था लेकिन फिर भी आपको लग रहा था कि कितना देंगे पता नहीं, कैसा घर होगा पता नहीं, उस तरह से। कुछ लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अगर आप देने वाले हैं तो आप, अगर आप पढ़ाई अभी से कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे करते जा रहे थे, यू हैड बीन स्टडिंग हार्ड, आपने जानबूझकर, ठीक है, लोगों को जो है अपने जो है अपने आप को आपने आइसोलेट रखा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्टडीज़ के ऊपर दे पाओ या फोकस कर पाओ, ठीक है, उस सारे चीज़ों में मुझे दिख रहा है एक अलग सा ही रियलाइजेशन आपको हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा रिलेशनशिप भी आ सकता है जहाँ पे आपको पहले लगेगा कि नो दिस इज़ माय फ्रेंड, दिस इज़ माय सीनियर, मुझे नहीं करना चाहिए, दिस इज़ माय जूनियर, बट ये हो जाएगा। इन्फैचुएशन हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, बट रियलिटी में जो लव है वो शुरुआत हो जाए।
आपको जो है गलतफहमी जो हो रहा था कि किसी ने जो है आपको कैद करके रखा है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो कुछ काम, वो भी खत्म होगा, उसका भी डे एंड होगा। अगर सही में कोई आपके दिमाग को कंट्रोल भी कर रहा था, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू हैड बीन इन सम ट्रांस और अनकॉन्शियस मोड और समथिंग लाइक दैट, आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे इस तरह से ही कि कोई ना कोई कंट्रोल कर रहे हैं, पर यहाँ पे तीनों जो तलवारें हैं यहाँ पे आपकी तरफ पहुँच नहीं रहे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पे जो ऐसा ईरी फीलिंग्स था कि कुछ नेगेटिव आपके घर पे, आपके जहाँ पे रेसिडेंस है वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वहाँ से मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो यू आर गोइंग टू गेट रिलीफ एंड फ्रीडम फ्रॉम दैट। यहाँ पे जो है आपके मम्मी पापा का साथ, आपका जो है गार्जियन का साथ आपको मिलेगा। यू विल कंप्लीट द जर्नी विद द फुल मून, आई डू थिंक सो। और आपके जो एंसेस्टर्स है, ठीक है, आपके जो पितृपुरुष है, वो आपका जो है साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जमीन जायदाद जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो, और कहीं ना कहीं से एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी आने का भी चांसेस बनता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।